Hello everyone, welcome to Career Point YouTube channel. Today we are going to start with the reducing agents. So I'm going to tell you about certain important tips and tricks to learn about this topic of reducing agent. As we found this topic generally somewhat difficult, we have so many reactions in organic chemistry, so it's difficult to think about which reactant took it, and which reactant took it with which reagent, and when it makes another product, in the other case, it makes another product. तो इन सब प्रॉब्लम्स को कि कौन सा रिएजेंट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज को हम सॉर्ट आउट कर देते हैं आज फॉर योर रिडक्शन रिएक्शंस. ओके, सो लेट्स कम विद मी एंड स्टार्ट दिस टॉपिक. देखिए, अगर हम रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो हम सब जानते हैं कि रिडक्शन रिएक्शंस होते क्या हैं. अगर हम उनको जनरल मीनिंग में स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिडक्शन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं, क्योंकि हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिडक्शन रिएक्शंस, क्योंकि वो रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे. तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो ये ऐसे रिएक्शन है जिसके अंदर पहली बात तो ऑक्सीजन, जिसके अंदर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन चला जाएगा, रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का, इस तरीके से हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. या ये हम एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, जब वो कम हो जाते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं. ऐसे ही हम दूसरा तरीका जिससे कह सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं. ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है. बट जैसे ही अगर हम अब हम बात करते हैं अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स की, तो जब हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं विच आर योर हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट जिसके अंदर H माइनस रिलीज होगा. ऐसे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिसके अंदर H माइनस रिलीज होता है, वो हमारे पास LiAlH4, इसको हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ऐसे ही एक है NaBH4, इसको हम कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड. और तीसरा हमारे पास है डाइबल, जिसको हम बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. कभी कभार इसको ऐसे भी लिख के दिया जाता है, ऐसे भी लिख के दिया जाता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमारे पास चार कार्बन है, तो ये हो गया हमारे पास डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो ये तीनों ही कैटेगरी हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफर में आ जाती है. सिमिलरली हमने नेक्स्ट कैटेगरी बना ली किसकी, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन की, जिसमें हमारे पास कैटेलिस्ट है लाइक H2PD, पैलेडियम को हमने इस्तेमाल करा. ऐसे हमने इसी चीज को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इस्तेमाल करा, तो इसको हमने नाम दे दिया लिंडस रिएजेंट. हमने BaSO4 के साथ इस्तेमाल करा, तो ये रोजनमन रिडक्शन में इस्तेमाल होता है, उसको हम पढ़ेंगे. कुछ हमारे रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनको हमने डिजॉल्व कर लिया ऑन मेटल्स को इन सर्टेन सॉल्वेंट्स लाइक लिक्विड अमोनिया. इस पूरे ये जो रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं बिट्स रिडक्शन. सिमिलरली हमारे पास सोडियम की जगह लिथियम भी ले सकते हैं हम, बिकॉज दीज आर द कैटेगरी ऑफ एल्किली मेटल्स. ऐसे हमने लिक्विड अमोनिया की जगह इथेनॉल ले लिया. वेयर एज हमारे पास कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होंगे जो स्पेसिफिक रिड्यूसिंग रिएक्शंस में यूज होते हैं, उसको भी हम देखते हैं. कुछ हमारे पास क्लेमेंजन रिडक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है हमारे पास जिंक अमलगम विद HCl. हाइड्रोक्लोरिक मीन्स एसिडिक मीडियम रहेगा इसके अंदर, तो ये हो गया हमारा क्लेमेंजन रिडक्शन. ऐसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजीन विद द हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल. और तीसरा है रेनिनिकल एंड फोर्थ वन इज रेड फॉस्फोरस HI. अब हमने ये तो देख लिया कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, पर ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनका वर्कआउट है, लेट्स फोकस ऑन दैट. तो अब देखिए, अगर हमें ये समझ आ जाता है तो हमारे सारे रिड्यूसिंग रिएक्शंस अपने आप ही हो जाते हैं. तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद दिस अल्कोहल. हमें पता है कि अल्कोहल में अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें कार्बोनिल कंपाउंड्स में विच इंक्लूड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनका नंबर हो गया 2. अब कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 3. ऐसे ही अगर हम एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ वो हो गए 3. तो इस चीज को तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स भर रहे हैं, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन. बट अगर इसी चीज को हम रिवर्स करें तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हो गए 2 बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिड्यूस हुए. जैसे ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस हुए वो रिडक्शन हो गया. 2 से यहाँ पे 1 हुए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन और ऑक्सीजन के, तो ये भी रिडक्शन हुआ. और यहाँ पे तो एल्केन्स में आते हैं तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो ये भी रिडक्शन है. अब देखिए, सबसे पहले हमने बात करी थी हाइड्राइड ट्रांसफर की. तो जब हमारे पास हाइड्राइड ट्रांसफर वाली हमने बात करी थी तो यहाँ पे आ जाता है LiAlH4. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर व्हाट हैपेंस, अब ये जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव्स होंगे
या पहले हम देख लेते कार्बोनिल कंपाउंड्स को, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को किसमें बदल देगा? अल्कोहल में। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को किसमें चेंज कर देगा? अल्कोहल्स में चेंज कर देगा। ऐसे ही ये जो एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे जितने भी, उन सबको ही ये किसमें बदलेगा? एल्डिहाइड्स में। बट हमें पता है क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये यहां तक रिएक्शन फिनिश नहीं होगा, ये फर्दर जंप करके जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो देगा, दैट इज योर एल्कोहल। तो ये रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगा। तो आपके जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो किसमें चेंज हो जाएंगे? एल्कोहल्स में चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही आपका एस्टर जो है वो किसमें चेंज होगा? एल्कोहल में चेंज होगा। ऐसे ही आपके एसिड्स किस में चेंज हो जाएंगे? अल्कोहल्स में चेंज हो जाएंगे। एसिड एनहाइड्राइड किस में चेंज हो जाएंगे? अल्कोहल्स में चेंज हो जाएंगे, जब आपने किसको लिया है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करा है। सिमिलरली अगर हम बात करें अमाइड्स की, तो अमाइड्स के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड है। अभी हमने कहा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली नोन एज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन हटा और यहाँ पे आपका कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। हाइड्रोजन के जुड़ते ही ये बन गया क्या आपका? अमीन्स। पहले ये था अमाइड, अमाइड से बन गया अमीन्स और ये हो गया इसका रिडक्शन। सिमिलरली हम बात करें साइनाइड्स की, साइनाइड्स आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब आपको पता है जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में बदल गया? डबल बॉन्ड में। किसका एडिशन हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। ये बन गया आपका कौन सा कंपाउंड? एमाइंस। एमाइंस के अंदर फर्दर रिडक्शन कराया, क्या होता है रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोबारा हाइड्रोजन हुआ, ऐड हुआ और ये बन गया हमारे अमीन्स। तो अगर हम साइनाइड्स का रिडक्शन कराते हैं, अगर एग्जाम में आ जाता है पार्शियल रिडक्शन, तो पार्शियल रिडक्शन का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज योर एमाइन। और अगर आ जाता है कंप्लीट रिडक्शन, तो कंप्लीट रिडक्शन का प्रोडक्ट होगा आपका अमीन्स। सिमिलरली अगर NO2 ग्रुप की बात करें, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन ऐड हुआ, बन गया आपका अमीन्स। ऐसे ही अगर अल्काइल हैलाइड की बात करें, अल्काइल हैलाइड RX यहाँ से टूटा, यहाँ पे एक H का एडिशन, यहाँ पे एक H का एडिशन, आपका बन गया अल्केन्स। तो ये सारे ही रिएक्शंस सब किस में बदल रहे हैं? या तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स डायरेक्टली अल्कोहल से बदल जाएंगे, या अगर हमारे पास अमाइड है तो वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके अमीन से बदल जाएगा। साइनाइड अपने ट्रिपल बॉन्ड को डबल में बदलेगा, डबल सिंगल में बदलेगा और अमीन्स बना लेगा। सिमिलरली नाइट्रो ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन हटेगा और अमीन्स बनेगा और RX RH में बदल जाएगा। तो ये सारे ही रिएक्शन किसने दिखा? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपका LiAlH4। ऐसे ही अगर हम बात करें तो अगला हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है आप देखो तो वो है NaBH4। NaBH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की अगर हमने बात करी थी तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो था ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। NaBH4 की बात करें तो NaBH4 कैसा है? वीक रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 के कंपैरिजन में। अब क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या होगा? बिकॉज ये वीक नेचर का है तो ये एल्डिहाइड्स, बिकॉज ऑफ इट्स वीक नेचर व्हाट विल हैपन कि एल्डिहाइड्स को ये अल्कोहल्स में बदल देगा, ओके? एसिड हैलाइड्स को भी ये एल्डिहाइड में तो चेंज नहीं करेगा, एल्डिहाइड क्योंकि एल्डिहाइड में बदलेगा, बट एल्डिहाइड हमें पता है वो एल्डिहाइड को भी चेंज कर देता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा अल्कोहल। तो अगर हमारे पास NaBH4 होता है तो NaBH4 एल्डिहाइड्स को चेंज करेगा, कीटोन्स को चेंज करेगा और एसिड डेरिवेटिव्स को चेंज करेगा, बट इसके बाद के कोई भी रिएक्शंस जो हैं वो आपका NaBH4 नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर NaBH4 दिया जाता है एसिड क्लोराइड्स के साथ तो वो उसको रिड्यूस कर सकता है, पर वो एस्टर्स को और एसिड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता NaBH4, क्योंकि वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की, विच इज़ योर डायबल। डायबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके। तो अगर हम डायबल की बात करें तो डायबल क्या करता है? LiAlH4 का तो हम सारे रिएक्शंस देख चुके हैं, NaBH4 में भी हमने देख लिया था कि वो एल्डिहाइड्स और कि वो एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को रिड्यूस करेगा और एसिड क्लोराइड्स को चेंज करेगा और किसी को चेंज नहीं करेगा। बट जब हम डायबल की बात करते हैं तो डायबल में क्या खासियत होती है? डायबल इन दोनों से ही वीक है, तो इस वजह से वो एसिड क्लोराइड्स को खाली एल्डिहाइड तक ही चेंज कर पाता है, इससे ज़्यादा उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर मैं एस्टर्स की बात करूँ तो वो एस्टर्स को भी किस में बदल पाएगा? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। अगर हम साइनाइड्स की बात करें तो वहाँ पर भी साइनाइड्स एक ऐसा केस है डायबल का जिसके अंदर साइनाइड्स भी जाके किस में रिड्यूस हो जाते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो एस्टर्स भी किस में चेंज होगा? एल्डिहाइड्स में चेंज होगा, सॉरी एल्डिहाइड्स में। सिमिलरली साइनाइड्स भी किस में चेंज हो जाएंगे? एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाएंगे। कब चेंज हो जाएंगे? जब हमारे पास
डाइबल का हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे डाइबल आ जाता है तो डाइबल ऐसा ऐसा रिएजेंट है जो क्या करेगा, हमारे साइनाइड्स को भी और एस्टर्स को भी किसमें बदल देगा, एल्डिहाइड्स में बदल देगा। तो ये तो हो गए हमारे हाइड्राइड ट्रांसफर वाले जो H- माइनस आयंस अपने में से रिलीज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करी जाए तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे अनसैचुरेशन पे काम करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। वहाँ पे भी हमने देखा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पहली कैटेगरी थी H2PT। तो जब हाइड्रोजन प्लैटिनम होगा, सिंपल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल में बदलेगा और डबल बॉन्ड आपका सिंगल में बदलेगा। अगर हम सेकेंड क्लेस ले लें, अगर हम H2PT के साथ कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट यूज़ कर दें तो उसके जो नेचर होता है उसको हम वीक कर देते हैं। वीक होने की वजह से अब वो या तो लिडलेस रिएजेंट की तरह काम करेगा, अगर उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आ गया तो वो सिंपल ट्रिपल बॉन्ड्स को ओनली किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके सिस एल्कीन्स में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एल्कीन है तो जैसे इसके अंदर हमने लिडलेस रिएजेंट दिया तो लिडलेस रिएजेंट किस में से बदल जाएगा, आपका सिस एल्कीन के अंदर बदल जाएगा। तो ये आपका सिस एल्कीन बदल जाएगा जैसे ही हमने इसके अंदर लिडलेस रिएजेंट डाला। सिमिलरली अगर आप BaSO4 या लिडलेस रिएजेंट को यूज करके आप RC डबल बॉन्ड CL का रिएक्शन कराते हो तो RC डबल बॉन्ड और CL भी रिड्यूस होकर किस में बदल जाएगा, आपका एल्डिहाइड में। ओके, तो इस तरीके से हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के रिएक्शंस करा सकते हैं। आइदर दे विल एक्ट ऑन द अनसैचुरेशन पार्ट, अनसैचुरेशन ट्रिपल बॉन्ड को डबल में, डबल को सिंगल में, और अगर उनके अंदर हम साथ में उसको पॉइजन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या BaSO4 तो वो खाली डबल बॉन्ड तक बदलता है, उससे ज़्यादा वो रिड्यूस नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट विच आर योर सोडियम या लिक्विड अमोनिया, जिनको हमने किसी सॉल्वेंट में डाला। ये क्या करते हैं, ये आपके आपका अगर ये रिडक्शन रिएक्शन दिखा रहे हैं तो ये रिडक्शन रिएक्शंस ऐसे दिखाएंगे कि इनके अंदर अगर एल्कीन बनेगा तो वो ट्रांस एल्कीन बनेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था एक केस, अगर मैं इसके अंदर लिडलेस रिएजेंट डालती तो एल्कीन बनता सिस एल्कीन, पर अगर हमने इसके अंदर सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाला है तो अब जो एल्कीन बनेगा दैट इज योर ट्रांस एल्कीन, इट विल बी लाइक दिस। तो जब अगर ट्रांस एल्कीन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, और सिस एल्कीन बनेगा इन द केस ऑफ योर लिडलेस रिएजेंट। नाउ योर लास्ट कैटेगरी ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लाइक क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किशनर, रेनेनिकल एंड रेड फॉस्फोरस एंड HI। तो इसको समझने के लिए नाउ सी, अगर हमने क्लेमेंसन रिडक्शन कराया या वुल्फ किशनर रिडक्शन कराया तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एल्डिहाइड्स इनटू एल्केन्स, सीधा के सीधा आपके एल्डिहाइड्स किस में बदल जाएंगे, एल्केन्स में बदल जाते हैं जब आप कराते हो उसके अंदर क्लेमेंसन रिडक्शन या वुल्फ किशनर रिडक्शन। सिमिलरली अगर हमने रेनेनिकल दिया तो रेनेनिकल नाम से लग है, इसमें निकल है, बट ये भी किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में, और ये भी आपके अनसैचुरेशन को किस में बदल देता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में बदल देता है। एंड लास्ट वन इज योर रेड फॉस्फोरस एंड HI। रेड फॉस्फोरस और HI एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि आपके कोई भी अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो सबको आके किस में बदल देगा, आपके एल्केन्स में, और फाइनल प्रोडक्ट विल बी योर हाइड्रोकार्बन्स। सो दैट्स ऑल अबाउट योर ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर अब समझ आइए रिड्यूसिंग एजेंट तो हम इस पर सारे क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। तो अगर हम क्वेश्चन पार्ट में देखें तो पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद LaAH4 एंड NaBH4। विद LaAH4 एंड NaBH4 अकर विच न्यूक्लियोफाइल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। एज वी ऑल ऑलरेडी स्टडीड कि LaAH4 और NaBH4 जब भी यूज होता है तो वहां पे क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज ये HI- का हाइड्राइड का अटैक होगा। अब अटैक होता है तो आपको पता है डबल बॉन्ड वहां से हट जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाता है, तो इट इज योर एडिशन रिएक्शन। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय द H-. सिमिलरली लेट सी दिस एग्जाम्पल। इसके अंदर आपके पास HI और रेड फॉस्फोरस दिया, अभी हमने पढ़ा HI एंड रेड फॉस्फोरस अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो सबको किस में बदल देता है, हाइड्रोकार्बन्स में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस केस में हाइड्रोकार्बन्स हैं सारे, दिस वॉज वन द केस ऑफ योर ऑल द हाइड्रोकार्बन्स।
तो हम यहाँ से ऑप्शन डी को करेक्ट मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आपका अल्कोहलिक है, यहाँ पे भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, बट इस केस के अंदर आपके सारे ही हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओके, लेट्स सी दिस वन केस। अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे LiLH4 है, आपको पता है LiLH4 बहुत स्ट्रांग है, तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी किसने बदल देगा, या आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी अल्कोहल में बदलेगा, और आपके एसिडिक कंपाउंड्स को भी किसे बदल देगा, अल्कोहल में। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका दोनों में आपके अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम NaBH4 की बात करें तो वी नो NaBH4 ओनली एक्ट ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड्स बट नॉट ऑन द एसिडिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर जब आपका प्रोडक्ट होगा तो ये चीज तो एसिड इज एज इट इज रहेगी आपका एसिडिक कंपाउंड, बट योर कार्बोनिल ग्रुप गेट रिड्यूस्ड इनटू योर अल्कोहलिक ग्रुप। लेट्स सी दिस केस। अगर आपने LAH लिया इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, तो आपको पता है साइनाइड के अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन पहले किसमें बदलेगा, एमाइंस में, HH ऐड हो जाएगा, फर्दर वो ट्रिपल डबल में बदलेगा, डबल सिंगल में बदलेगा, और आपका जो कंपाउंड बन जाएगा दैट इज योर अमीन्स। यही चीज अगर हम डायबल के अंदर देखें तो डायबल कैसा था, आपका एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और इसकी करेक्टरिस्टिक ये थी कि ये जो कंपाउंड्स बनाता है ये एल्डिहाइड्स बनाता है। जैसे ही हम डायबल के अंदर ये देख लीजिए, इसमें ALB है, तो आपको ये याद रह सकता है कि ये एल्डिहाइड ही बनाएगा। तो जैसे ही हम साइनाइड्स के अंदर डायबल देते हैं तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा दैट विल बी योर CHO। लेट्स मूव ऑन टू सर्टेन मोर एग्जाम्पल्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होना चाहिए, आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप्स को ओनली एल्केन्स में बदलने के लिए कौन से रिएक्शन चाहिए होते हैं, क्लिमेंजन रिएक्शन, वुल्फ किशनर रिएक्शन। तो इसके अंदर देख लेते हैं, सो दिस वन इज योर क्लिमेंजन रिएक्शन, सो दिस इज योर ऑप्शन LAH। तो आपको पता है कार्बोनिल्स को किसमें बदल देता है, अल्कोहल्स में बदल देता है, NaBH4 भी अल्कोहल्स में बदलेगा, और HI और रेड फॉस्फोरस उनको एल्केन्स में बदलता है, बट वो OH को भी एल्केन से बदल देता है, बट यहाँ पे OH आपका एज इट इज है, इसलिए ये जो कंपाउंड आएगा आपका वो हो जाएगा, दिस विल बी योर क्लिमेंजन रिडक्शन। इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पे आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो एल्केन से बदल गया, कार्बोनिल एल्केन से बदल रहा है, अगेन वुल्फ किशनर क्लिमेंजन रेड फॉस्फोरस HI, सो ऑल इज द ऑल, सो एवरी वन कैन चेंज दिस इन टू द एल्केन, सो दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन द ऑल दिस वन। In case of this example, we know LAH, lithium aluminium hydride, it is a very strong reducing agent. Because of its strong reducing nature, it will convert acidic group into alcohol as well as carbonyl groups into alcohol. So we can see this, in this case both the groups are converting into the alcohols. बट अगर NaBH4 की बात करी जाए तो NaBH4 क्योंकि वीक होता है तो ये एसिड्स को तो चेंज नहीं कर पाएगा, बट इट विल रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप। सो हियर वी कैन सी द एसिड ग्रुप इज एज इट इज, ओनली कार्बोनिल ग्रुप इज बीइंग रिड्यूस्ड, सो दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सी दिस एग्जाम्पल। इन दिस केस वी हैव कैरी आउट द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सो ट्रिपल बॉन्ड इज गोइंग टू रिड्यूस इनटू द डबल बॉन्ड along with the Lindler's catalyst. What Lindler's catalyst do? It will convert the acid halides also. It will convert acid halides also into the aldehyde group. So in this acid halide is getting reduced to aldehyde, but triple bond is added as it is. So this will be your option, because here triple get converted into the double bond and acid halides into the aldehyde.